नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि आज रात्रि के 12 बजे से आपके घर घुसेगा यह नाग देवता। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आखिर क्यों घुसेंगे, यह सच्चाई आप सभी के होश उड़ा देंगे। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, जब भी कोई देवता अपने भक्त के घर वास करते हैं, अपने भक्त के घर आते हैं, तो दोस्तों उनके लिए कोई ना कोई खुशखबरियाँ अवश्य लेकर आते हैं। जी दोस्तों, और यश में यह देवता आपको 7 बड़े वरदान देने वाले हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों इसी में आपके लव लाइफ में क्या क्या बदलाव होंगे, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके घर के माहौल में, आपके आर्थिक स्थिति में कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं इस नाग देवता के आने से, साथ ही कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है, और दोस्तों इस नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, सारी बातें आज के इस वीडियो में बहुत ही गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर निर्मित है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी नाग देवता के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय नाग देवता लिख दें। भगवान नागदेव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, पर परमात्मा ने आपको जो नींद, शांति और जो आनंद दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई भी चीज नहीं है। इसलिए अपने जीवन काल में शांति को प्राप्त करने के लिए निरंतर श्रद्धा भक्ति आस्था रखें, मंदिरों में गुरुद्वारों में जाएं, वहाँ पर आपको सही सुख शांति की अनुभूति होती है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह बात या ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि यह नाग देवता आज रात्रि के 12 बजे से आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लव लाइफ, आपके पारिवारिक जीवन, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, साथ ही बात करेंगे कि कौन से उपाय को यश में आपको करना चाहिए। दोस्तों यश में आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों में सुखद समय व्यतीत होगा। घर में नैतिक संबंधियों के आगमन से मनोरंजन और खुशनुमा वातावरण भी बना रहेगा। दोस्तों अगर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो दोस्तों उस पर गंभीरता से अवश्य कार्य करें, समय अनुकूल होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने ऊपर आलस की भावनाओं को हावी न होने दें तथा अत्यधिक सोच विचार करने में भी समय न लगाएं, इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि पर पड़ सकता है। तो दोस्तों इस बात का यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में अपनी योजनाएं और फिर गतिविधियों की जानकारी किसी को भी ना दें, ये आपके यश में के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में दिन की शुरुआत से ही आपको सकारात्मकता नजर आएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कामों में आपको सफलता भी यश में प्राप्त होने वाली है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के लिए आपके जो समय होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण समय होंगे। काम के प्रति आपका यश में उत्साह भी बढ़ने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें अपने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति या फिर विशेषज्ञ का साथ सलाह मशवरा अवश्य करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको यश में उचित सलाह भी मिलने वाली है। दोस्तों यश में ग्रह स्थितियां आपके लिए जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन भी ला रही है, परंतु समय का सदुपयोग करना आपका कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस बात पर यश में आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही दोस्तों यश में अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों व फिर संबंधियों को नज़रअंदाज ना करें। कभी कभी आपकी ईगो व फिर गुस्सा आपके बनते कार्यों में परेशानी भी उत्पन्न कर देता है। तो दोस्तों यश में इन बातों का ध्यान रखें। संतान की संगति व फिर गतिविधियों पर यश में नज़र रखना आपके लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी यश में लापरवाह ना रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे मेहनत तथा आत्मविश्वास के बलबूते काम को कर पाएंगे और उनमें अच्छी सफलता को भी आप यश में अर्जित कर पाएंगे, ये आपके लिए समय होगा। दोस्तों परिवार की तकलीफों से दूर होने की कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों जो बातें आप खुद सुलझा नहीं सकते हैं, ऐसी बातों से आपको यश में दूर ही रहना आपके लिए ठीक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी रहने वाले हैं, परंतु आप अपनी प्रतिभा और फिर कार्य क्षमता द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में भी समर्थ रहेंगे। तो
दोस्तों स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा सा स्वार्थीपन भी आपको लाना जरूरी होगा। पठन पाठन तथा लेखन में भी आपका जो मन है बहुत ही अच्छा लगेगा। मन मुताबिक आपका समय इसमें व्यतीत होने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में बजट पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत भी होगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। दोस्तों कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें, दोस्तों ये आपके लिए बेहतर होंगे। इनसे दोस्तों आपको स्फूर्ति की प्राप्ति होगी तथा रुचिपूर्ण कार्यों में भी कुछ समय आप यश में अवश्य व्यतीत करें। इनसे दोस्तों आपके अंदर जो है सकारात्मकता आएगी। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश समय दिन की शुरुआत में कुछ बातें के प्रति कन्फ्यूजन बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे आपको क्लैरिटी भी नजर आने लगेंगी। दोस्तों यश समय महत्वपूर्ण काम भी शुरू हो सकते हैं और दोस्तों ये जो समय है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। दोस्तों उनका अमल करने की आप कोशिश करें और ये कोशिश आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। मित्र द्वारा मिल रही सहायता आपके लिए अत्यंत उपयुक्त होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी सफलता का कोई भी द्वार यश में खुलने वाला है। दोस्तों पिछले काफी समय से जो चिंता आपके अंदर चल रही थी, आपके मन में चल रही थी, दोस्तों वह चिंता यश में दूर होंगी। लाभ प्राप्ति के साथ साथ उत्साह व फिर ऊर्जा भी यश में आपका बढ़ेगा। ऊर्जा का यश में आपके अंदर संचार होगा। किसी दीर्घकालिक योजना पर भी काम शुरू हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके अपने नजदीकी लोग ही आपके लिए रुकावटें व फिर अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए, इन बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में यश में आप ना आए। कामकाज व फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना यश में आपके लिए चुनौती होगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों पर यश में आपको ध्यान देना अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि भावनात्मक संतुलन न बने रहने की वजह से किसी भी बात पर ध्यान दे पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी होगा। परिवार के लोगों के प्रति बढ़ता रोष आपके लिए नुकसानदायक होगा। दोस्तों आपके अंदर बढ़ रही बदले की भावना आपका बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए दोस्तों दूसरों को माफ करके आगे बढ़ना यश में आपको सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में कोई बड़ी डील या फिर ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं, परंतु राज की शिवारत लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें। किसी प्रकार की मान हानि अथवा आशंका बन रही है। नौकरी में कोई भी महत्वपूर्ण कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है जो कि आपके लिए तरक्कीदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय है आपके लिए व्यापार से संबंधित निर्णय कुछ हद तक गलत भी हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में इनका भी आप ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु अपने पार्टनर अथवा कर्मचारियों की गतिविधियों और क्रियाकलापों पर आप ध्यान रखें। इन्हें नजरअंदाज यश में बिल्कुल ना करें। कामकाज को लेकर की गई आपकी जो यात्रा है यश में लाभदायक रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों यश में लॉ क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं, काम को आप ध्यानपूर्वक करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता भी यश में मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में काम को आलस की वजह से आप टालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, बल्कि समय में ही उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करें। दोस्तों अपने महत्वपूर्ण पेपर अथवा फाइलों को यश में आदि सुव्यवस्थित व फिर कंप्लीट रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार की कार्रवाई होने की आशंका भी लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें व्यावसायिक गतिविधियों में अपना ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है उपलब्धियों वाला समय होगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ऑफिस में भी उच्च अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना आपके लिए बेहतर होगा, इससे दोस्तों आपको कोई अथॉरिटी भी यश में मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि करियर से संबंधित नए अवसर भी आपको यश में आसानी से प्राप्त होंगे, बशर्ते दोस्तों थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को यश में नजरअंदाज करना आपके लिए बेहतर होगा, आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होगा। दोस्तों विपरीत लिंगी लोगों से मिलते जुलते समय मर्यादाओं का भी ध्यान रखें, ये आपके लिए और आपके घर परिवार के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय है आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण तो सुखद बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को भी ताजे करने वाले हैं तथा मन भी यश में आपका प्रफुल्लित रहेगा।
इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, पार्टनर का साथ मिलने की वजह से आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो आसान होगा। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपना समय को इसमें नष्ट ना करें दोस्तों, ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, आपका उदारवादी दृष्टिकोण घर परिवार को बेहतर बनाकर रखेगा, घर परिवार में बेहतर समाज बनाकर रखेगा तथा पारिवारिक सुख शांति भी उत्तम बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपकी अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों ये समय अत्यधिक भागदौड़ अथवा मेहनत का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से थकान और कमजोरी आपके ऊपर हावी रहेगी। दोस्तों वीडियो के अंत में धन लाभ के एक बहुत ही अच्छे उपाय, दोस्तों काली हल्दी के सिंदूर और फिर धूप देकर कुछ सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें, इससे धन लाभ होगा। घर के मुख्य दरवाजे पर रोज सरसों का तेल का दीपक जलाएं, देवी मां लक्ष्मी के चित्र या फिर प्रतिमा पर रोज केसर के तिलक लगाएं। इस उपाय से सालों पुरानी गरीबी भी आपकी दूर हो जाएगी और घर में धन में वृद्धि होती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।